प्यारे दोस्तों, जब अपना अलाइट मशीन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट एंड इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे यहाँ पर शेक इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बीट मार्क इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर सबसे पहले इम्पोर्ट कर लीजिएगा। इम्पोर्ट करने में अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो मैंने उसी के नीचे एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक आप वीडियो देखकर देख लीजिएगा कैसे आप इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पर चले आइएगा और यहाँ पर आपको इस प्रकार पर क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार की इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपने भी देखा था स्टार्टिंग में आपको ओम नमः शिवा और उसके ऊपर जो आप देखे होंगे शंकर जी का कुछ फोटो लगा था जो कि ग्लो कर रहा था एंड जो कि बहुत ही मस्त लग रहा था। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो आपका आगे का जो एनिमेशन है सबसे पहले हम उसको क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद आपको जो हमने स्टार्टिंग में ओम नमः शिवाय वगैरह लिखा हुआ था वो सब क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर इस प्रकार से 11 सेकंड पर आ जाना है और यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपने जो भी फोटो आप लगाना होगा आपको ऐसे फोटो मेरे टेलीग्राम से देखने को मिल जाएगा महादेव जी का। तो हम इस प्रकार से फोटो पर क्लिक करेंगे, थर्ड पर क्लिक करके सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। इस प्रकार से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा और बच्चे भाग को हम कट कर देंगे। अब दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको जितने भी बीच में आपको बीट दिखाई दे रहे हैं सभी पर आपको फोटो अटैच करना है। ठीक है दोस्तों, हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से फोटो को अटैच कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों इतना अटैच करने बाद यहाँ पर जितने भी आपको बीच में भीड़ दिखाई दे रहा है सभी पर आप पहले फोटो लगा लीजिएगा, उसके बाद इस पर इफेक्ट लगाना होगा। तो इफेक्ट कौन से लगेंगे तो हम बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर जो आपका पहला इफेक्ट दिखाई दे रहा है हम इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। अभी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ओम नमः शिवाय वगैरह भी दिख रहा था तो वो सब भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम स्क्रॉल करके इस प्रकार से आगे जाएंगे और यहाँ पर आपको जितने भी ये भीड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप फोटो अटैच कर लीजिएगा और यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट को पेस्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से सारे इफेक्ट पेस्ट होंगे इस बीच में जहाँ पर आप फोटो अटैच करेंगे। दोस्तों मैं अटैच करूँगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों मैं इस प्रकार से इफेक्ट को लगा लिया। फिर दोस्तों अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट इफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे, यहाँ पर जो भी फोटो आप लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो थर्ड पर क्लिक करके इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे और बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इफेक्ट ऐड करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तीन फोटो ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको जो येलो कलर के मार्क दिखाई दे रहे हैं ऊपर में, इस प्रकार से आपको तीन फोटो सबसे पहले बीट के अकॉर्डिंग अटैच करना होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से तीन फोटो सबसे पहले अटैच कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये इफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये इस प्रकार से बन चुका है तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 1 2 3 यानी तो एक और ये दो और ये तीन, यहाँ पर तीन फोटो इस प्रकार से बना हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर तीनों अलग अलग इफेक्ट लगेंगे, तो बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाएंगे और वो तीनों इफेक्ट ये है, एक एंड दो एंड तीन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला इफेक्ट कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। दोस्तों कॉपी इफेक्ट करने के बाद इसको आपको आगे जाना है एंड दोस्तों आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको देखने मिल जाएगा येलो कलर का मार्क है। आपको इस इफेक्ट को क्लिक करना सेकंड वाला और यहाँ पर उसके आगे थर्ड वाला और उसके बाद फोर्थ वाला। ठीक है, अब दोस्तों आपको इस प्रकार से करना है और आपको इस प्रकार से इफेक्ट बनाना और यहाँ पर अब ये सेकेंड इफेक्ट है, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, चारों इफेक्ट आप इस प्रकार से अटैच कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और आपका जो बीट मार्क है इसको हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला लगाया था, सॉरी दूसरा वाला और ये तीसरा हो जाएगा और उसी के आगे हमारा ये चौथा वाला इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर जो ये चौथा वाला इफेक्ट है इसको हम कॉपी कर लेंगे इस प्रकार से और आपको कॉपी इफेक्ट करने के बाद सिंपल इस प्रकार से आपको बीट मार्क को ओपन करना है और आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा और चौथा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चौथा इफेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप मैंने लेयर बना के रखा है नीचे येलो कलर ताकि आप लोग को आसानी हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हमने किया है यहाँ पर दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। अब ये जो पहला वाला इसको यहाँ पर लगाना चाहिए, फोटो हम अटैच कर लेते इस प्रकार से और इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, बच्चे भाग को हम इस प्रकार से कट कर देंगे, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे एंड बच्चे भाग को हम इस प्रकार से कट कर देंगे, फिर हम इसको अटैच करेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, बच्चे भाग को हम इस प्रकार से कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से दिख रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये दो नंबर और ये चार नंबर इस प्रकार से आपको इफेक्ट दिख जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अटैच होगा, फिर दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये यहाँ पर और ये लास्ट तक कुछ प्रकार से मैंने सेट बना के रखा है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बारी आती है कि यहाँ पर हम ओम नमः शिवाय वगैरह हम कैसे क्रिएट करेंगे तो वो भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको नीचे आना होगा स्क्रॉल करके और यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस बना के रखे हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर कलर पे क्लिक करके जो आपका दिख रहा है स्टार आइकॉन इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से इनेबल हो जाएगा, फिर हम इस वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, ये तो ऑलरेडी इनेबल है,
तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। ये कुछ प्रकार से आपका इनेबल होगा, फिर आपको आगे भी जाना है और यहाँ पर भी क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों ये भी इनेबल हो गया, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपका इनेबल हो गया, तो नीचे वाला भी हम कर देते हैं। फिर आपको आगे जाना और इसको भी क्लिक करना है और यहाँ पर दिखा इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देते हैं। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से इनेबल हो जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। फिर इस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी इसको हम इनेबल कर देंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है ये इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर गाइस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही कमाल की एनिमेशन के साथ इसको क्रिएट किया गया है और बहुत ही ऑसम भी लग रहा है। अब दोस्तों आपका सारा वीडियो कम हो चुका रहेगा, अब इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग बगल में बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और इसको आप बहुत ही आसानी से अपने गैलरी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।